सभी गाड़ियों पर राज करने वाली महिंद्रा कंपनी की थार। ये एक ऐसी कार है जो कि हर कोई लेना पसंद करेगा, चाहे वो गांव के लोग हों चाहे वो सिटी के लोग हों, क्योंकि ये कार लुक में बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी ये कार ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ होती है, इसको ज़्यादातर लोग ऑफ रोडिंग के लिए लेते हैं। 2020 15 अगस्त से पहले इस गाड़ी का कोई भी फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च नहीं किया गया था। ये गाड़ी वही हमें बेसिक से रूटीन में मिलती थी हमें, इसमें कोई भी सेफ्टी फीचर, कोई भी इसमें म्यूज़िक सिस्टम कुछ भी नहीं मिलता था। अगर म्यूज़िक सिस्टम लगवाना पड़ता था तो हमें आफ्टर मार्केट जाकर इसे म्यूज़िक सिस्टम लगवाना पड़ता था विद स्पीकर्स। इनमें स्पीकर्स भी नहीं मिलते थे, ना स्पीकर्स की जगह मिलती थी। बट 15 अगस्त 2020 को इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, ये गाड़ी अब हमें शोरूम्स पे फ़िलहाल तो नहीं मिलेगी, बट 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को ये गाड़ी हमें ऑफिशियली देखने को शोरूम्स पर मिल जाएगी। अब जैसे कि इसमें कई ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स अब इंक्लूड कर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव की गई हैं इस गाड़ी में। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख रहे हो, ये वाली। तो सबसे पहले सेफ्टी फीचर की बात करते हैं। इस गाड़ी में ना पहले एयरबैग आते थे, ना ABS EBD कुछ भी नहीं आता था। अब इस गाड़ी में महिंद्रा वालों ने ABS भी दे दिया है, EBD भी दे दी है, एयरबैग्स भी दे दिए हैं, और भी कई ज़्यादा चीज़ें इस गाड़ी में मिल रही हैं हमको। इंटीरियर की बात करते हैं, ये आपके सामने आ गई इंटीरियर की फ़ोटो। इंटीरियर में हमें 8 इंच की टच स्क्रीन विद स्पीकर्स मिलने वाले हैं, और सामने आप स्टेयरिंग पर नोट करेंगे तो आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलने वाले हैं। इस गाड़ी में हमें क्रूज़ कंट्रोल मिलने वाला है। ये गाड़ी हमें 2 इंजन में अब प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि पहले तो ये गाड़ी आती होती थी सिर्फ डीजल इंजन में, अब ये गाड़ी आया करेगी हमारे पास पेट्रोल इंजन में भी। अब चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ। सो आप आ गए हैं बैक प्रोफाइल की तरफ। सो इस गाड़ी में सबसे पहले तो हमें 5 टायर विद स्पेयर व्हील मिल जाता है। 5 टायर में इंक्लूडेड है स्पेयर व्हील, जो कि 16 इंचिस के हैं। उनके अंदर अलॉय व्हील्स, सीएट कंपनी के टायर्स, और उनके अंदर अलॉय व्हील्स। वैसे हम थार लेते सो हमें आफ्टर मार्केट जाके अलॉयस लगवाने पड़ने थे, बट अब कंपनी ने देने शुरू कर दिए हैं। इस गाड़ी में अब DRLs भी आया करेंगे, मतलब कि डे नाइट रनिंग लाइट्स विद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमें वही बल्ब मिलेंगे, वो LED नहीं मिलने वाले हैं। साइड डायमेंशन की बात करते हैं, ये में हमको 2 डोर्स मिलेंगे, मगर ये गाड़ी 4 सीटर है, इसमें पूरी फैमिली बैठ सकती है बहुत ही आराम से। अब मैं आप सबको लेके चलता हूँ इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ। सो हम आ गए हैं अब बैक प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे, सो इस गाड़ी में हमें 2 पार्किंग सेंसर्स भी मिलने वाले हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। और इस गाड़ी में हमें बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी एक ऑफ रोडिंग कार है, ये कोई मतलब नॉर्मली ट्रिप के लिए कार नहीं है। अभी इस कार का प्राइस है 9.5 लाख, जो कि है एस्टिमेटेड। अभी इस कार का कुछ भी नहीं पता, ये मैंने बेस मॉडल का आपको बताया है, क्योंकि जब 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी ये गाड़ी इंडिया में, सो तभी इस गाड़ी का पता लगेगा हमें कि ये गाड़ी परफॉर्मेंस में कैसी है और इसका प्राइस कितना है। अभी इस गाड़ी की कोई डिलीवरी वगैरह शुरू नहीं हुई है। इस गाड़ी में कंपनी वालों ने काफ़ी मेहनत की है इस गाड़ी को बनाने में, और उनकी मेहनत आई थिंक सो सफल होगी, क्योंकि ये गाड़ी देखने में भी बहुत अच्छी है। और कंपनी वालों ने एक छोटा सा इस गाड़ी का टेस्ट किया है, सो उसको देखिए, और मैं आपसे एंड में मिलता हूँ फिर।
जैसे कि आप सब ने इस वीडियो में देखा कि कंपनी वालों ने इस गाड़ी का बहुत ही अच्छे से एक टेस्ट किया है कि क्या ये गाड़ी सही में सर्वाइव कर पाएगी पानी में ऑफ रोडिंग के लिए। सो आज की वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।